हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वास है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है सच्चाई की जीत। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सीजन में हमने बात की थी चिंटू के बारे में, और आज हम एक और आपके सामने नई कहानी लेकर आ रहे हैं जो है सोनू की। तो चलिए शुरू करते हैं इस नई कहानी को कुलेश्वरा प्राइमरी की एक टीचर के साथ। कुलेश्वरा प्राइमरी की एक टीचर हमारे साथ कुछ बातचीत करना चाहती है, तो चलिए हम लेकर चलते हैं आपको उन टीचर के पास। नमस्ते, मैं सोनू की क्लास टीचर हूँ। सोनू एक बहुत अच्छा लड़का है। वो पढ़ाई में भी काफ़ी तेज है, गेम में भी पार्टिसिपेट करता है, वो हर चीज़ में आगे रहता है। पर कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि स्कूल भी लेट आता है और पीछे बैठ जाता है। पूछती हूँ उसे सोनू कुछ हुआ है तो बताता नहीं है, और पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देता, होमवर्क भी लेट करके लाता है। होमवर्क तो कुछ करता ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। उसके दोस्तों के साथ भी खेलने नहीं जाता, लंच भी नहीं करता है, आता है बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लास के बच्चे में इतना बदलाव आएगा, इतना चेंज आएगा। मेरे सोनू को पता नहीं क्या हो गया, मेरे क्लास का बच्चा इतना चेंज हो जाएगा। तो ये थी कुलेश्वरा प्राइमरी की वो टीचर जो हमसे बात करना चाहती थी। तो आपने इनकी बात सुनी। कुलेश्वरा प्राइमरी की ये टीचर अपने स्टूडेंट के रवैये से काफी परेशान है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि एक बच्चा जो इतना खेलता कूदता था, हर चीज़ में आगे बढ़ता था, वो अचानक से शांत कैसे हो गया। उसने सब कुछ करना बंद हो गया, बस वो क्लास के पीछे बैठ के सर नीचे करके शांत रहता है। ऐसा क्या हुआ है उस बच्चे के साथ, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।